कहते हैं, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए खुद पे और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, और सच्चे मन से किया गया काम अवश्य पूरा होता है। तो एक कहानी आज मैं सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका दुनिया में कोई नहीं था सिवाय 4 साल का एक पोता। बूढ़ी अम्मा के बेटे और बहू की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बूढ़ी अम्मा लाचार और वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनका पोता बीमार हो गया। वह गांव के कई डॉक्टरों से दिखाई पर वह ठीक ना हो पाया। किसी डॉक्टर ने उन्हें बताया कि भोपाल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर दीनदयाल बेदी। वह बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और दुनिया भर में उनका नाम है। पर वृद्ध और लाचार होने के कारण बूढ़ी अम्मा असमर्थ थी, पर वह हार ना मानी। वह आसपास के गांव के डॉक्टरों को दिखाती और साथ ही उन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था। वह प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनका पोता ठीक हो जाए। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति को उनके अपने बचपन के बिताए हुए गांव में किसी समारोह में एज चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया। वह प्रसिद्ध व्यक्ति आने से मना ना कर पाए, क्योंकि उनका मानना था आज वह जो भी है वह गांव की वजह से है। वह अपने शहर से गांव जाने के लिए एक कैब बुक किए और ड्राइवर को बोले, देखो भैया, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे गांव शीघ्र ही पहुंचा दो। ज्यादा पैसा लेना है ले लो, लेकिन 6 घंटे के अंदर ही पहुंचा दो। ड्राइवर बोला, भैया बारिश तो काफी तेज हो रही है, आप बोल रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने बोला, ठीक है, आप कोशिश करें, और वह दोनों चल पड़े। लेकिन तेज बारिश होने की वजह से ड्राइवर रास्ता भटक गया। ड्राइवर डरते डरते उस प्रसिद्ध व्यक्ति से बोला, साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे क्षमा करें। व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने सोचा इसमें ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं है, और अब तो वह गांव टाइम पे पहुंच ना पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा, भैया कोई बात नहीं, किंतु मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, पास में किसी दुकान में रोक दो। किंतु ड्राइवर को कोई दुकान न मिली। आसपास बहुत सुनसान जगह थी, लेकिन ड्राइवर को वहां एक पास में एक छोटा सा घर दिखा। व्यक्ति ने कहा, यहीं पे रुकते हैं, जब बारिश समाप्त हो जाएगी तब चलेंगे। ड्राइवर वहां रोक दिया। व्यक्ति को बहुत प्यास और भूख लगी थी। व्यक्ति घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक वृद्ध अम्मा निकली। व्यक्ति से कहा, रुको, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुए और बोले, अम्मा आप सदा खुश रहें, भगवान आपको वह सब दे जो आप चाहती हैं। लेकिन बहुत समय से व्यक्ति के मन में एक विचार आ रहा था कि वह बालक कौन है जो एक बिस्तर पे लेटा है। व्यक्ति ने यह सवाल अम्मा से पूछा। अम्मा ने कहा, अब तो मैं तभी खुश हो सकती हूँ जब
ईश्वर डॉक्टर दीनदयाल बेदी को मेरे पोते जो उस बिस्तर पे लेटे हैं उनका इलाज करने यहाँ किसी चमत्कार से भेज दे। मेरा कोई नहीं इस पोते के सिवाय, जो कि बहुत बीमार है और आसपास के डॉक्टर कहते हैं कि इसे सिर्फ भोपाल के डॉक्टर दीनदयाल ही ठीक कर सकते हैं। यह सुन वह व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध डॉक्टर दीनदयाल बेदी ही थे। इसीलिए कहा गया है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। कहते हैं अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में सोच नहीं सकते उससे कई ज्यादा ईश्वर एक पल भर में कर सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई नहीं और तेरा विश्वास हूँ।